बॉलीवुड इंडस्ट्री की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा अपनी बेभक बयान और स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर मीडिया में लोगों के बीच ट्रेंड करती रहती है, पर आज तक इन्होंने देश में कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया जिसके लिए इन्हें सुनना पड़े। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने अब विदेश में कुछ ऐसा काम किया है कि उन्हें विदेशी सरकार ने 29 लाख रुपीज दिए हैं, पर सोनाक्षी सिन्हा को फ्री में 29 लाख रुपए कैसे मिले, क्या किया है उन्होंने विदेश में जाकर, आइए जानते हैं इसके बारे में फुल डिटेल के साथ। जहां बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस के खिलाफ पैसों में धोखाधड़ी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आपको भी गर्व होगा। दरअसल आईकार अपील यानी अधिकारण के मुंबई ब्रांच ने सोनाक्षी सिन्हा को ब्रिटेन में किए गए कर्म के लिए उन्हें 29 लाख रुपए के दावे से जमानत किया है, जब एक टैक्स अधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर एक फॉर्म दाखिल नहीं करने से इनकार कर दिया था। दरअसल 2017-18 के लिए सोनाक्षी के टैक्स रिटर्न को उनको दावे किए गए क्रेडिट कार्ड के लिए समिति जांच के लिए चुना गया था। टैक्स अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 22 सितंबर 2018 को अपना रिटर्न दाखिल किया था, लेकिन 20 जनवरी 2020 को क्रेडिट का दावा करने के लिए फॉर्म 67 दाखिल किया। नियम 1279 कहता है कि फॉर्म टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख हो या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। सोनाक्षी सिन्हा को देरी के कारण क्रेडिट नहीं दिया गया और मामला ITAT तक पहुँच गया। पिछले महीने CBDT ने इस नियम में संशोधन किया जैसे लोगों को पहले अब क्रेडिट अमाउंट मिल जाया करेगा और सोनाक्षी सिन्हा को भी उनके टैक्स रिटर्न का क्रेडिट अमाउंट अब साल बाद 29 लाख रुपए मिल चुका है। अगर सोनाक्षी सिन्हा टैक्स भरने के बाद टैक्स रिटर्न क्रेडिट अमाउंट के लिए आवाज नहीं उठाती तो ITA केस नियम में संशोधन नहीं होता। तो दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा के सूझबूझ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।